दस दस छक्के मार दिए उसने, सात चौके मार दिए, इसको टोटल मिला लें 88 रन तो उसकी ये जो है, ठीक है। अब बाद 129 126 रन में जो उसने, आप अंदाजा लगाइए बाउंड्री से कितने रन मारे हैं, तो वो थकता नहीं है। तो क्या करता है, हाँ, छक्का मारने से डर नहीं लगता, चौका मारने से डर नहीं लगता, बल्ला उठाने से डर नहीं लगता। बॉलर कोई भी हो खेलता मेरिट के ऊपर है, हाँ। और कंसिस्टेंसी के साथ चला आ रहा है। ये एक दो साल में ये प्रिंस है भाई, ये प्रिंस गिल है। बाकी विराट कोहली के बाद, किंग के बाद, अगर इंडियन क्रिकेट में टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई प्रिंस मिल सकता है तो वो यही है। अब जो लोग आज यूं कर लो, बड़ा दिल गिल है कि मानता नहीं और सेंचुरी के अलावा कुछ और जानता नहीं। क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की बैटिंग की आज शुभमन गिल ने भाई साहब, दिल जो है जीत के रख दिया और बिल्कुल दूसरी टीम के हाफ जो है ना वो चकना चूर करके रख देने वाला प्लेयर है ये। अगर ये कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा यार, क्या कमाल का ये प्लेयर और क्या खेलता है ये। पिछले चार मैचेस में 3 सेंचुरियां शुभमन गिल बना चुके हैं, ये इससे कंपीट करना मुश्किल हो जाएगा जो इसकी रेंज है। आप खुद बता दीजिए रेंज जो है, ये जिस अंदाज से खेल रहा है, ये अभी बहुत छोटा है। बाबर भी कोई अभी बहुत बड़ा नहीं है, इससे 4-5 साल बड़ा है ऑन पेपर, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये अगले 2 साल में अगर किस्मत की देवी इसके टैलेंट से, मैं ये नहीं कह रहा इसमें मेहरबान हो जाए, इसके टैलेंट को हाय ना लगे किस्मत की, बस इतना, इसके लिए सिर्फ इतना। वर्ल्ड कप के साल के अंदर शुभमन गिल का बल्ला चल रहा है और देखते देखते उसने 8 सेंचुरियां मार दी है, 8, एक और सेंचुरी मार दी। और चलो ओडीआई की समझ आती है, टेस्ट की समझ आती है, टेस्ट और ओडीआई में सेंचुरी। जय हिंद दोस्तों, शुभमन गिल भाई 3रा शतक इस साल का लगा दिया है बंदे ने, और क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी हिटिंग की है। मतलब यार मढ़वाल जिन्होंने 5 पे 5 विकेट लिए थे, 5 रन देके 5 विकेट, उनकी दुलाई की, क्रिस जॉर्डन की दुलाई की, पीयूष चावला की दुलाई की, और भाई मुंबई इंडियंस की बॉलिंग अटैक वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलिंग अटैक है इस आईपीएल की, और मतलब एकदम बेबस कर दिया, मतलब एकदम लाचार करके छोड़ दिया यार। क्या जबरदस्त तरीके की रेंज हिटिंग की इस बंदे ने, और यार मजे आ गए। क्लासिकल शॉट्स लगाए, ड्राइव्स मारी और शॉर्ट आर्म जैब्स मारे भाई, मतलब मजे आ गए। और 10 छक्के, मतलब 10 छक्के मजाक नहीं है, और ठीक ठाक स्टेडियम है यार, सबसे बड़ा स्टेडियम है दुनिया का कैपेसिटी वाइज, और लेंथ एंड ब्रेथ भी मीडियम क्लास कह सकते हैं। पिंडी की 40 मीटर और पेशावर और यहाँ की अपनी लाहौर की 30 मीटर की बाउंड्री नहीं है, एटलीस्ट 70 मीटर की बाउंड्रीज, और वहाँ पे चौकों से ज़्यादा छक्कों की बारिश की है भाई गिल ने, और यार एक्स्ट्रॉर्डिनरी हिटिंग। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, बंदा जो हिटिंग कर रहा था, एक टाइम ऐसा लग रहा था कि जब वो आउट हुआ तो लग रहा था 160 तो ये बना के जाएगा अकेला, इंडिविजुअल 160 बना देता ये अगर खड़ा रहता, बट अनफॉर्चुनेट हाथ में सेंचुरी मारी जा सकती है। T20 इंटरनेशनल में भी सेंचुरी, आईपीएल में 4 मैचेस में 3री सेंचुरी लगातार, उसकी इसको कहते हैं 3री सेंचुरी होने वाली 4 मैचेस के अंदर। और आज तो शुभमन गिल क्या बल्लेबाजी कर रहा, छक्के पे छक्का। एक तो होती है ना क्लास, एक होती है क्लास बल्लेबाज के पास, इसके पास क्लास भी और इसके पास पावर भी है, इसके पास एक खास पावर है। मैं ट्विटर के ऊपर भी ट्वीट करके कह रहा हूं कि ये बंदे के पास इतनी पावर कैसे है, ये तो जिसको कहते हैं ना सुपरमैन का पार्ट लगता है, ये तो मुझे लगता है ये इस प्लेनेट का है ही नहीं, ये इंसान ही नहीं है, ये इंसान ही नहीं है शुभमन गिल। ये जिस किस्म की बल्लेबाजी कर रहा है ये देखो तो सही आप इसको, ये बल्लेबाजी शुभमन गिल कर सकता था मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था ऐसा, लेकिन हो रहा है। सूर्य कुमार यादव भी ऐसी बल्लेबाजी नहीं करता जो आज ये कर रहा है, इसके पास इतना टैलेंट है, इसके पास इतनी क्लास है, इसके पास इतना जिसको कहते हैं टाइम आ गया है, ये क्या जबरदस्त किस्म का प्लेयर बनता जा रहा है। एक था सचिन तेंदुलकर ओडीआई का बादशाह, ओडीआई के अंदर सेंचुरियां बनाया करता था, ये सचिन तेंदुलकर T20 का बनने जा रहा है, ये T20 के अंदर इतनी सेंचुरीज बना देगा जिस तरह से ये खेल रहा है ना, ये आने वाले ऐसे रिकॉर्ड बनाएगा कि फिर लोग इसको याद रखा करेंगे, T20 में भी एक तेंदुलकर जैसा बंदा था जो शुभमन गिल उसका नाम था। ये एस वाले जो बल्लेबाज होते हैं ना ये रुकते नहीं है, और मैच देखे एक सेंचुरी उसने मारी, चले जी हर ओपनर सेंचुरी मार लेता होता है, दूसरी सेंचुरी उसने मारी, चलो हर विराट कोहली ने भी लगातार 2 मैचेस में सेंचुरी मार दी, इसने भी मार दी, चौथा मैच 3री सेंचुरी उसने मार दी है, ये कोई मजाक है? इससे पहले 2 दफा वो 90s पे आउट हुआ, 1 दफा तो नॉट आउट किया था, ये तो प्लेयर वो प्लेयर बन गया भाई, 20 ओवर पूरे खेल के जाए और उन 20 ओवर के अंदर ये 100 मारे, ये उस किस्म का प्लेयर बन गया हुआ है, ये तो इतना बड़ा प्लेयर बन चुका हुआ है, इसका मुकाबला छोटे प्लेयर में आप कर ही नहीं सकते, इसको तो कंपेयर करना भी इसकी तोहीन है।
जिस किस्म का ये प्लेयर बन चुका है, जो जो किस्म की इसके पास क्लास आ चुकी हुई है ना, ये जिसको कहते हैं अनस्टॉपेबल है, शुभमन गिल अनस्टॉपेबल है, ये रुकने वाला नहीं है, ये पता नहीं क्या से क्या करेगा और जीतना, क्योंकि जितने रन्स बोर्ड के ऊपर आ चुके हुए हैं ना अभी और आएंगे, अभी पड़े ओवर्स और आएंगे रन्स। लेकिन मजे की चीज ये है कि कोई टीम इतना लंबा टारगेट चेस कर सकती है तो वो मुंबई इंडियंस ही कर सकती है, क्योंकि मुंबई के पास इतनी खतरनाक बल्लेबाजी है। लेकिन मजा आएगा बहुत बड़ा मैच देखने का, गुजरात की बॉलिंग भी बहुत हैवी है, लेकिन बाद में कर रहा हूं शुभमन गिल की, शुभमन गिल ओ माय गॉड ये क्या चीज है, ही इज अनडिफाइनेबल। मैं विराट कोहली को डिफाइन कर लेता हूं, मैं बाबर आजम को डिफाइन कर लेता हूं, मैं सूर्य कुमार यादव को भी डिफाइन कर लेता हूं, मेरे पास अल्फाज होते हैं इनकी तारीफ करने के लिए, इनको बोलने के लिए, इनको प्रेस करने के लिए, मैं इस बंदे को कैसे जिसको कहते हैं ना प्रेस करूं, मैं इस बंदे की कैसे तारीफ करूं कि जो बंदा मेरे पकड़ में ही नहीं आ रहा, जो बंदा मेरे जिसको कहते हैं समझ में नहीं आ रहा, वो हर मैच के अंदर ऐसे खेलता है। तब से बता रहे हैं कि ये इसका स्टैंड डाउन रहना, इसके बारे में सब बताया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज से बता रहा है। हाँ। अच्छा अभी बड़ा ये एक इक्वेशन चल रही है बड़ी जबरदस्त। क्या चल रही है? वो यही चल रही है कि सेंचुरी सेंचुरी मार दी उसके ऊपर विराट कोहली ने मार दी, फिर विराट कोहली ने मार दी उसके ऊपर गिल ने मार दी, गिल ने आज फिर मार दी पहली, ये सब पहली इनिंग का गेम चल रहा है भाई। ये पहली इनिंग में जो गिल ने सेंचुरी मारी है तो लोग मुंबई इंडियंस की कारखाने की तरफ यार ये कर क्या रहा है, छक्के पे छक्का, आकाश मधवाल जो लास्ट मैच का हीरो था उसे 3 छक्के लगा दिए, इनकी अनबिलीवेबल बैटिंग किया भाई। और ये होता है बड़ा प्लेयर, ये मैंने बहुत पहले आपसे बोला था, अभी इसकी एक सेंचुरी भी नहीं थी, ठीक है, इसने अपनी पहली 50 लगाई थी, मैंने बोला था कि यार ये जो है ना ये आने वाली जो है बहुत बड़ी चीज है इंडियन क्रिकेट में, और इसने साबित किया है। पिछले अभी खेलने अरसा ही कितना हुआ यार इसको, 8 मंथ हुए हैं तकरीबन, और पिछले 8 मंथ में ये बंदा जो है 10 सेंचुरियां लगा चुका है। क्या यानी कि सोच के ये खेलता है, कोई इसे नहीं खबर होती है भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसने अपनी गेम खेलनी होती है, और सबसे बड़ी बात है कि ये जानता है कि भाई इसको क्या किस टाइम क्या करना है। एक होता है ना ठुक 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 करके आप जो वो पूरे ओवर खेल लो अपने 100 बना लो, ये उस लेवल का प्लेयर नहीं है, इसका काम है भाई ठुकाई करना, आके छक्के मारना, चौके इसके कम होते हैं छक्के इसके ज्यादा होते हैं। अब आप देखेंगे इसने जो है वो 60 बालों के लिए यार 129 स्कोर इसने बनाया 60 बालों के ऊपर, और आप देखें 7 चौके 10 छक्के 215 का स्ट्राइक रेट, और ये इसकी जो है वो तीसरी लगातार जो है सेंचुरी है जो कि यार अनबिलीवेबल है। पिछले 3-4 मैचेस में 3 सेंचुरियां बना चुका है, ओडीआई में 4 सेंचुरियां, डबल सेंचुरी बनाई हुई है, T20 में इंटरनेशनल में सेंचुरी, लीग में आ रहा है यहां पर सेंचुरी, टेस्ट में सेंचुरी, यानी कि ये जो साल है ना ये शायद कि शुभमन गिल के नाम जो है वो रखा जाएगा, इस साल को शुभमन गिल के नाम से मंसूब किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये बंदा खेल रहा है ना और आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, मैं आपको लिख के देता हूं कि अगर ये खेलता रहा वर्ल्ड कप इसने खेला तो यार ये हुकूमत करेगा, ये वर्ल्ड कप के ऊपर हुकूमत करेगा, ये आप मुझसे लिखवा लें जिस तरह से ये बंदा खेल रहा है, क्योंकि ये बड़ा अजीब यूनिक सा टैलेंट है। हमने सूर्य कुमार यादव को भी देखा, हमने बहुत सारों को देखा इस आईपीएल में खेलते हुए, चली गई और एक जबरदस्त पारी का एंड हुआ। बट यार मेरे हिसाब से अब अगर गुजरात ठीक ठाक बॉलिंग करती है, सूर्या को रोक लेती है, तो मेरे हिसाब से ये गेम हाथ में आ जाएगी गुजरात की। खैर वो तो प्रेडिक्शन मैं करनी ना, मेरी अपनी ओपिनियन है, बट यार जबरदस्त और मतलब पूरा पावर पैक परफॉर्मेंस था, ओनली वन मैन आर्मी शुभमन गिल भाई। अगर शुभमन गिल ऐसी हिटिंग नहीं करता तो भाई औकात नहीं थी गुजरात टाइटन 200 तक पहुंचने की, क्योंकि आप लोगों को पता है कि साई सुदर्शन वगैरह फिर धीमे हो जाते हैं, हार्दिक इस साल इतने फॉर्म में है नहीं, और नीचे से वही मारते हैं अपने क्या नाम है सनाका और ये राशिद खान। तो भाई गिल की एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनिंग और तीसरा शतक, ऑरेंज कैप भी इनके सर पे आ गया भाई, ये होती है क्लास हिटिंग। कुछ बंदे कहते हैं कि भाई बाबर तो अभी कंपैरिजन के लिए हुआ ही नहीं है गिल से, तो बेटा होगा भी नहीं, मैं यही कह रहा हूँ होगा भी नहीं बाबर वर्सेस गिल का कंपैरिजन। गिल जो मारता है वो लंबी लंबी पिचेस पे और चौकों से ज्यादा छक्के मारता है, टेस्ट ले लो आप, ओडीआई ले लो आप, T20 ले लो, हर फॉर्मेट में बंदे ने एकदम धूम धड़ाका मचा रखा है। तो भाई इसीलिए गिल की कंपैरिजन बनता भी नहीं है इस टुकटुकिए से, ठीक है टुकटुकिए से तो मैं इसका कंपैरिजन करता भी नहीं हूँ, ना नाम भी लेना चाहिए बाबर आजम वर्सेस गिल का। ठीक है भाई जबरदस्त बंदा है शुभमन गिल और नेम टू बी रिमेम्बर, और जिस तरीके के ये लय में खेल रहा है भाई मैं ये नहीं कहूंगा कि फाइनल में भी सेंचुरी मारेगा, हाँ बट WTC का फाइनल, IPL का फाइनल भले ना, WTC का फाइनल में काफी बेनिफिट होने वाला है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि इनफॉर्म बैट्समैन है, इनफॉर्म जा रहा है, थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ेगा।
अब तो इंडिया के लिए और एजेस आ गए भाई, 2 सेंचुरी लगा के वीके पहुंचा हुआ है विराट कोहली, 3 सेंचुरी लगा के गिल पहुंचेगा, रोहित शर्मा, मतलब यार ऑन द टॉप, बहुत मजे आने वाले WTC और ये अपना। खैर आज की गिल की इनिंग आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके बताना, जुड़े रहे भाई क्रिकेट तक पैसे वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।